जो अत्याचार जुर्म किया है, मैं सबसे पहले उसकी निंदा करता हूँ। मैं निंदा इस बात की भी करता हूँ कि जो दलितों के कोटे से चुन के संसद बने हैं, विधायक बने हैं, जिन लोगों ने इस हत्या की निंदा नहीं की, मिलने वाली है। अगर मैं उनकी भी निंदा करता हूँ कि ये दलित वर्सेस हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदुओं बहुत सारे प्रगतिशील तबके भी हमारे देश के दलितों के साथ कितना मिलाकर आए हैं, प्रतिक्रियावादी जो तबके हैं और इनके झगड़े के कारण, लेकिन हम देश के शासन चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, आज नहीं सही ढंग से पेश चाहते हैं। और हमारे जो किसी भी मीडिया है जिसको आप भी लीड करते कारण इस आप लोग आंदोलन को दबा दिया गया, लेकर आए सबसे पहले आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से ने इतना निश्चित किया, मानना है कि जो होगा उसकी सच्चाई को आपने लगाया है वो पॉजिटिव है। जो हमारे दलित संगठनों ने इस देश का और जो साधाया है देश का मालिक बताता है, उन लोगों ने महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस हम बहुत बर्दाश्त करते हैं और मीडिया के तरफ से बात करते हैं कि वो लोग ताकत का इस्तेमाल आगे ईमानदारी से पेश आए, अन्यथा दलित समाज का गुस्सा है के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। शहीद भगत सिंह ने कहा था तो आज कि विचारों का आप गला नहीं घोट सकते, व्यक्ति का गला घोट सकते हैं। सरकारें हैं वो चाहती है कि इस एजेंडे को अभी दूसरी तरफ मोड़ दिया जाए। निश्चित रूप से आज इस मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने लिखा अनुसूचित जाति जनजाति समाज की अस्मिता के सामने हिंदू भक्त से दलित और हमारे लोगों के खिलाफ जो आज तक हम कहते आ रहे थे उसकी जानकारी होनी चाहिए थी कि दलितों को हिंदू नहीं समझा जाता करने चाहिए था। जो सरकार होता है ये निश्चित रूप से सरकार को एक गांव का सबसे बड़ा प्रमाण और कोई नहीं हो सकता जो हुआ उसके माध्यम से लोगों ने क्लियर कर दिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज दलित इस तरफ तैयार है कि इस देश में अपनी बात अपना वजूद बना के रख सके। आप देख रहे हैं बीजेपी के सरकार में जब कोई मांगी जाती है तो उन्हें मुकदमा दिया जाता है, दोनों ही क्लेम करते हैं। आप देख रहे हैं अब मीडिया के सामने वो क्लेम करते हैं कोई मनुवादी अगर खुद करता है तो उसे बाहुबली कहते हैं। और उन बाहुबलियों के खिलाफ अगर चंद्रशेखर जैसा लोग खड़ा होता है तो ये बीजेपी सरकार उसे रास्ता में डाल देती है। हम उसकी भी निंदा करते हैं और बीजेपी की निंदा करते हैं। अगर उसे लड़ना है तो सामने आए, हमारे लोगों का शिकार नहीं होना है, हमको अपने मुद्दों पर केंद्रित होना है। हम सरकार को हमें सही चंद्रशेखर के साथ है और अपने समाज हारने वाले नहीं है चंद्रशेखर जेल ज्यादा ताकतवर है किसी भी हालत में और वो तोड़ जवाब देंगे। आंदोलन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम जय भारत।